दलाल और भड़वे की तरह बात करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा रखिए, बात मत करो, आपसे बड़ी दायरे में बात कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आदमी से बात नहीं कर रहे हो। देश संकट में है। ये वीडियो थंबनेल और टाइटल से आपको पता ही है कि आज का टॉपिक क्या है, तो लेट्स इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। टाइटल देख के तुमको तो पता ही लग गया होगा कि मैं कैरी भाई की जैसे ही वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा अलग है। हाँ, टाइटल सेम रखा कि थोड़े व्यूज आने चाहिए इसलिए। सो अगर यानी हम गाली बहुत बड़ा और मज़ेदार इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है, इस टॉपिक पे जितनी बात की जाए उतनी कम कुछ। अभी अगली वीडियो ही देख लीजिए, अपने दोस्त के साथ की, एक दोस्त की। क्या हो गया भाई, टेंशन में क्यों है? अरे कुछ नहीं यार, दिमाग खराब है यार। अरे यार, दुख बांटने से घटता है, तू बता तो सही क्या हुआ है। ला सिगरेट ला। अब यही एग्जांपल ले लीजिए ना, बेचारा दोस्त पूछने ही तो गया था कि क्या हुआ है भाई, आगे देखिए क्या होता है। अरे भाई यार, कोरोना वायरस हो गया यार। ऐसे दोस्त हो तो क्या करे, गाली नहीं देंगे तो और क्या करेंगे। बहुत बार इसका उपयोग जो किया जाता है ना गाली का, वो ज़्यादातर तो फिजिकली डैमेज ना पहुँचाया जाए इस वजह से किया जाता है, यानी देते रहे लेकिन फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए अपोनेंट को। तो देख लिया दोस्तों, कैसे इन्होंने बातों बातों में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली गाली की वजह से। अगर यहाँ पे गालियाँ ना होती तो वायलेंस शुरू हो जाता और वो एक दूसरे को मारने पे उतर हो जाते, लेकिन कभी कभी वायलेंस गाली की वजह से शुरू हो जाता है, तो समान के यानी अपोनेंट को ध्यान में रख के ही गालियाँ दी जाए, वरना ऐसा ना हो कि वो गाली की वजह से और भड़क जाए और तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा हो तुमको ही पीट दे। इसके बहुत सारे अच्छे साइंटिफिक रीज़न भी है कि अगर फ्रस्ट्रेशन निकालना हो तो बिंदास चिपका दो, ऐसा नहीं लेकिन कि घर में चिपकाओ, घर वाले तुमको चिपका देंगे। हाँ, और जिस फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अगर किसी बॉस वगैरह को दे रहे हो तो ये दिमाग में रखो कि सामने या आजू बाजू वो बॉस नहीं है, नहीं तो बाद में उस टाइम के लिए तो फ्रस्ट्रेशन से बच जाओगे लेकिन बाद में और कितने दिनों के लिए फ्रस्ट्रेट होगे वो पता नहीं। तो ध्यान रखो, दो जो भी मन करे, अकेले में दो बेटर है, सबके सामने देते समय थोड़ा सा अवॉइड करो, ये मेरा है ओपिनियन है। इसके बाद ये सुन के मुझे मत चिटका देना, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करते जाओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज़ साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाली है, अगर हमें कुछ लगता है कुछ भी यानी ठोकर वगैरह ऐसा कुछ, अगर गाली दे देते हैं ना तो जल्दी रिलीफ मिलता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। अब एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता कि कहाँ पढ़ा था, लेकिन हाँ ये सच बात है क्योंकि मैंने ट्राई किया है, अगर ठोकर वगैरह लगे और कुछ नहीं बोला ना तो ज़्यादा देर के लिए वो
पेन महसूस होता है और बोल दिया कुछ सडनली तो पेन भी चला जाता है ना। पेन कंट्रोल के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। 3-4 लोगों को बिठाया गया तो जल्दी से बाहर निकल आए, और अगर गाली देने को बोला तो ज़्यादा टाइम तक पानी में ही रहे थे। यानी पेन मैनेजमेंट के लिए भी गाली का इस्तेमाल होता है। ये सब सुन के आप कतई मत समझना कि मैं गाली का समर्थन करता हूँ, नहीं तो आप उठोगे जाओगे घर में सबके सामने गालियाँ बकोगे और फिर खुद भी खाओगे और बाद में मुझे फिर से दोगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, जो भी है वो हो, नॉर्मल रहो, नॉर्मल जियो, जब अच्छा नहीं लगे तो अकेले में जाओ, देते जाओ। हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को, राइट, सब्सक्राइब करना।